बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विंग्स एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आप में से जितने बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर कूलम्स और वेक्टर फॉर्म मिस कर दिया, जरूर जाके इसको देखिएगा। बहुत कुछ उसके बारे में इंटरेस्टिंग आपके लिए मैंने बनाया है वीडियो। उसमें हमने क्या पढ़ा, कूलम्स और वेक्टर फॉर्म में क्या था कि फोर्स अगर चार्जेस पे लगते हैं तो डायरेक्शन के हिसाब से वो कैसे वेरी करते हैं, वो सब कुछ बता रखा है उसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम बात करेंगे वो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म दोनों का निचोड़ है। टॉपिक का नाम है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। होगा क्या, हमारे पास अ ग्रुप ऑफ चार्जेस है, चार्जेस की असेंबली है, वी कैन से दैट। हमें करना क्या है, एक चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस जब फोर्स लगाते हैं तो उस चार्ज पर हमें नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है। हम वही इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। ये डेरिवेशन बहुत बच्चों को टफ से लगती है, देखिएगा इसको काफी इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। और एक चीज आपसे पहले बता दूं, उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट्स, अगर मैं एक लाइन बोलूं, पूरे चैप्टर में भी ये लाइन जरूर बोलूंगा कि मैंने इस चार्ज को फिक्स कर दिया। अगर मैंने इस चार्ज को फिक्स कर दिया, इसका सीधा मतलब ये है कि ये चार्ज किसी और चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता, बाकी सारे चार्ज इस पे फोर्स लगा सकते हैं। ये होता है चार्ज को फिक्स करने का मतलब। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1 नाम का। ये Q1 नाम का चार्ज है, इसमें मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगाएंगे तो मैं इसके सराउंडिंग्स में एन नंबर ऑफ चार्ज मान लेता हूं। मैंने मान लिया सेकंड एक Q2 चार्ज है, अगला मेरे बच्चों Q3 और लास्ट में कोई भी NH चार्ज मैंने ज्यूम कर लिया इसमें। ओके, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे इन चार्जेस का इससे डिस्टेंस शो करना है, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू आर स्क्वायर, तो मुझे आर चाहिए, इसलिए मैं इन सबको ज्वाइन करके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करूंगा। मैंने मान लिया क्योंकि 1 से 2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी मैं उसको वेक्टर से शो कर रहा हूं, और वो क्या होगी, R12 आपके सामने है। R12 दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 2। क्योंकि ये चार्ज अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो नेचुरली इसकी डिस्प्लेसमेंट इसकी कंपेयर में कितनी होगी, R12। और स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना आप सब कि यार, जैसे आपको बताया था मैंने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कि अगर किसी भी क्वांटिटी की हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो उसका यूनिट वेक्टर जरूर उसके साथ इंसर्ट किया जाता है। तो मैंने मान लिया इसका यूनिट वेक्टर जो मैंने अज्यूम करा है वो है R21 कैप, मतलब 2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की पोजीशन। ठीक है, जैसे R21 कैप आप जानते हैं यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला होता है इसको एक्सपेंड करने का। नाउ अब मैं जानता हूं क्योंकि Q2 चार्ज इसको फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स मैंने शो कर दिया है F12 की फॉर्म में आपके सामने है। सिमिलरली ये चार्ज Q3 Q1 में फोर्स लगाएगा तो वो आप यहां देख सकते हैं डायरेक्टली F1 और 3, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, नाउ अब nth की बारी आ रही है तो ऑब्वियसली ये भी फोर्स लगाएगा इसमें, दैट इज व्हाट F1N, ये भी लग गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, और क्योंकि R13 हो गया और इसके अक्रॉस जो मैं जानता हूं यूनिट वेक्टर R31 कैप, ऐसे याद रखिएगा जो भी नंबर लिखा है उसका उल्टा अगर डायरेक्टली मैं लिख दूंगा तो वो इजी है। इसका यूनिट वेक्टर होगा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1 एंड Q2 Q1 एंड Q3 एंड Q1 एंड Qn। ओके, नाउ सिमिलरली दैट इज व्हाट R1N। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको ऐसे पता चला कि ये एरो टुवर्ड्स चार्ज होगा, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगता है बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी उस डायरेक्शन में होती है। अगर आप देखेंगे बच्चों F12 R12 की डायरेक्शन सेम है, हां जी R13 F13 की डायरेक्शन सेम है, और सिमिलरली F1N ऑन R1N की डायरेक्शन सेम है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। गुड, नाउ इसका यूनिट वेक्टर आपको पता ही है N1 कैप, ये सब लगा दिया मैंने, आपका डायग्राम मजाक में कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मेरा एम है मुझे Q1 पर नेट फोर्स निकालना है, और मेरे बच्चों एक चार्ज पर नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालने के लिए जिस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और वो सिंपल सी भाषा में क्या कहता है कि द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 इज अ वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द चार्ज Q1। मतलब
Q1 चार्ज पर जितने भी चार्जेस फोर्सेस लगा रहे हैं उन सारे फोर्सेस को अगर मैं ऐड अप कर दूं तो जो नेट फोर्स मिलेगा वही क्या है, Q1 पे लग रहा नेट फोर्स है। क्लियर हो गया होगा? गुड, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम फिगर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो आप सब ध्यान से देखना, फ्रॉम फिगर मुझे पता है क्या नेट फोर्स ऑन चार्ज कौन सा, Q1। तो स्टूडेंट्स मैंने उसको मान लिया F1 क्योंकि चार्ज Q1 है तो फोर्स भी F1 हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि वेक्टर सम बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो व्हिच इज व्हाट F12 हां जी F13 प्लस F1n आपके सामने है। इसको मैंने अपने आप में फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब बड़ी सिंपल सी भाषा में बात करता हूं आपसे मैं, भाई F1 कब निकलेगा, जब F12 पता हो, जब F13 पता हो और जब F1n पता हो। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए मैं ध्यान से देखिए करता हूं। हेयर सबसे पहली चीज मुझे निकालना है F12, वो भी वेक्टर फॉर्म में, तो कूलम्स का वेक्टर फॉर्म वाला फंडा पूरा डायरेक्टली यूज करूंगा मैं। F12 आपके सामने है, which is the formula 1/4πε0 Q1 12 है, तो Q1 Q2 by what R12 का whole square, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में क्योंकि ये vector form में लिखा गया है, इसका unit vector which is अगर मैं figure में देखूं R21 cap, तो R21 cap directly लिख दिया मैंने, ये मुझे F12 force मिल गया है। F13 force देखते हैं, बिल्कुल same as it is है, 1/4πε0 13 है, तो ऑब्वियसली Q1 Q3 by R13 का होल स्क्वायर इनटू व्हाट R31 cap। ये भी इजी है, याद रखिएगा यूनिट वेक्टर और फोर्स दोनों के नंबर आपस में रिवर्स रहेंगे फ्रॉम द फिगर। ओके, नाउ F13 भी मिल गया, एंड द लास्ट फोर्स F1n व्हिच इज 1/4πε0 हां जी 1n 1 और ये NH चार्ज R1n का होल स्क्वायर इनटू RN1। प्लीज यहां देखिएगा एक बार, है ना, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। सारी वैल्यूज क्यों, पुटिंग दी अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मेरे बच्चों वी गेट सारी वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करूंगा तो आप सब देख सकते हैं F1 पुट करेंगे अगर सबको ध्यान से, इन तीनों में कॉमन बात देखिए क्या, 1/4πε0 सब में से कॉमन है, उसको प्लीज मेरे बच्चों बाहर निकाल दीजिए, 1/4πε0 बाहर आ गया। सिंपल Q1 Q2 by R12 का होल स्क्वायर इनटू व्हाट R21 cap प्लस Q2 Q3 अगर दैट इज 1 and 3 बिकॉज 1 पे ही लग रहा है, तो 13 बाय हांजी R13 का होल स्क्वायर इनटू R31 cap प्लस, आगे बढ़ता हूं मैं, अगेन 1 और n चार्ज है, ये भी 1n का स्क्वायर है बट यहां इसका उल्टा है लाइक दिस, तो ये आपका नेट फोर्स निकल चुका है, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मेरे बच्चों ये था पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेरिवेशन करने को भी बोल सकता है, उसका सीधा मतलब यही है कि we have to calculate the net force due to the multiple charges on a given charge. The complete concept, उम्मीद करता हूं एक एक टर्म आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।